कर रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको फारूक भाई कह सकता हूँ, माइंडी करेंगे। देखिए फारूक भाई, फ्यूडलिज्म जब तक आपकी अदालतें आजाद ना हो, फ्यूडलिज्म खत्म इसलिए नहीं हो सकती कि हर फ्यूडल गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, चाहे जिस पार्टी में भी वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पार्टी है उसमें फ्यूडल है। उसकी वजह यह है कि वो जब गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है, पाकिस्तान की अदालतें उसको हाथ नहीं लगाती, वो अपना पुलिस रखता है, थानेदार रखता है, लोगों को गुलाम बना देते हैं। एनक्यूएम अगर फ्यूडलिज्म के खिलाफ थी तो आप वो जमात होना चाहिए था जिसको सबसे पहले चीफ जस्टिस का इस्तकबाल करना चाहिए था, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक जज खड़ा हुआ है अदालतों की आजादी के लिए, एक डिक्टेटर के सामने खड़ा हुआ है, पहली दफा हुआ है। आपकी वो जमात थी जो जिसकी बुनियाद ये थी कि हमारे महाजरों से बुरा हो रहा है, उनसे उनसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके जो राइट्स थे, कोटा सिस्टम था, एक गलत सिस्टम था कि पढ़ा लिखे महाजन को नौकरी नहीं मिले, किसी और को लसानियत के बेसिस पे नौकरी मिली थी, जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी। अगर उस वक्त पाकिस्तान की अदालतें आजाद होती, आपको इंसाफ मिलना था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मेरा कंटेंशन ये है कि आप शुरू हुए थे एक जेन्युइन एक लोगों की ग्रीवेंसेस लेके, आज आप उसी तरह की फ्यूडलिज्म में हैं, आप भी अपने आप थानेदार रखाते हैं, आप भी अपनी पुलिस रखते हैं। जहांगीर सिद्दीकी आईजी की स्टेटमेंट है, कहता मैं फेल हो गया सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए, क्योंकि एमक्यूएम की गवर्नमेंट अपने सारे नीचे से थानेदार रखवाती थी, अपनी पुलिस रखवाती थी, अपने लोग रखवाती थी। तो वो आप भी वो अब हरकतें कर रहे हैं कि आप एक फ्यूडल बन गए, आप भी अपने लोग रखवा के लोगों को वहां कत्ल हो जाते हैं, टारगेट किलिंग है, कोई पकड़ा नहीं जाता, सारी आपकी नीचे आ गए, वही हरकतें अब आपके। अगर आप जेन्युइन थे, मेरे ख्याल में आपको चीफ जस्टिस को सबसे बड़ा इस्तकबाल करना चाहिए। आप मिलिट्री डिक्टेटर के साथ चले गए, अगेन बड़ा सीरियस चार्ज है, और आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं बजाय अदालतों के और जमहूरियत के साथ खड़े हो रहे, आप डिक्टेटर के पास चले गए। डॉक्टर कुछ कहूँ? देखिए हम लोग अभी भी जन्मन है, इनका ख्याल है कि जन्म नहीं रहा, अभी भी नहीं। मैं इसके जवाब चाहता हूँ, बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन। जवाब दे रहा हूँ, जन्मन होने का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी बीजेपी मत नहीं है, ठीक। अच्छा अब ये आते हैं जनाब अदालत की आदत, पहले मुझे इसका बताया तो हमें बताएंगे, जरा बताए इमरान, अगर मैं सवाल से कंप्लीट आप जवाब देने देंगे, आपकी बात अदालत की बात की। चले मैं बात इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी तरफ पूछ सकूँ, अगर कराची 12 मई को चीफ जस्टिस जा सकते थे, और उससे पहले भी एक स्टेटमेंट जो है, अगर एमक्यूएम के जो सरबराह आनंद की देखी जाए तो उन्होंने कहा कि वो ना आए, हमारी अपनी रैली है, वो डिले कर लो। ने अब ये क्यों कहा है कि वो जब चाहे, मैं ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट दिखा दे एमक्यूएम के किसी पार्टी लीडर का के चीफ जस्टिस कराची ना है। देखिए मैं कराची की जो मेन सड़कें हैं, ये तो फिर आपको पता होगा, वो किसने कंटेनर किसने खड़े किए। देखिए मैं बता रहा हूँ, चाहे कंटेनर का जवाब देता हूँ, अपने इतना सवाल इनके होगा इतने आपके होगा, ठीक। पहली बात तो हमने कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड पर दिखा दिया चीफ जस्टिस को आने को एम क्यूएम ने मना किया, नहीं कोई एम क्यूएम ने यह स्टैंड लिया चीफ जस्टिस आए, ये रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट, चीफ जस्टिस आए, उनका हक है, वो दौरा करें, वो खिताब करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उनके दौरे को सुन लीजिए, अपने सियासी मकासद के इस्तेमाल ना करें। अगर सियासी जमातें रैली निकालेंगी तो एमक्यूएम को भी ये जमहूरी हक है कि वो रैली निकाले, उसी दिन निकाले, ये उनका डिप्लोमेटिक जिम्मेदारी। सुनिए आप देखें, ये जब उनका जमहूरी हक है तो एमक्यूएम का भी जमहूरी हक है, और एक दिन में मालदीव में दर्जनों मिसालें ऐसी हैं जो रैलियां निकलती रहेंगी, ठीक। दूसरी बात अब आइए जनाब, ये अदलिये की आज़ादी के बाद, अदलिये की आज़ादी पर एमक्यूएम ने जितनी आवाज़ उठाई है, जब पीसीओ का आंद उठाया, पीसीओ के तहत जजेस ने से हल लिया गया जनरल मुशर्रफ साहब के आने के बाद, और जिन जजेस ने इस्तीफा वो लेने से इनकार किया उनको रिटायर किया गया, वाहिद एमक्यूएम थी जिसने उस वक्त आवाज उठाई, कोई और नहीं आया मैदान में। आज आज आपको सपोर्ट करेंगे, आज चीफ जस्टिस को सपोर्ट करेंगे। अब बात करें, हो रहा है उनके खिलाफ, बात करें इदारों की, डोंट टॉक अबाउट इंडिविजुअल, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमक्यूएम। चीफ जस्टिस जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इंस्टीट्यूशन, टू टॉक अबाउट द
independent of judiciary. Sorry, Dr. Chief Justice, I'm asking the question, please, sorry. Agar Chief Justice hai, he has been removed or he has been asked not to work as... He has not been removed. He as a reference... हुकूमत जिसका आप हिस्सा है वो बहुत दिनों तक उनके लिए गैर वर्ड इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता लगा वो नहीं कर सकते, वो दोबारा चीफ जस्टिस बन गए हैं। अगर गवर्नमेंट गलत करती है तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, हमने तो कंडेम किया। आपके न्यूज का हम गवर्नमेंट की हर बात को आंखें बंद करके मानेंगे ना मानेंगे, एमकेएम ने तो जियो पर अटैक को कंडेम किया, एमकेएम ने बिल्कुल पर लाठीचार्ज को कंडेम किया, ऑन रिकॉर्ड है एमकेएम ने कंडेम किया। आपकी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर दफ्तर खोल रही थी, कश्मीर में दफ्तर खोल रही थी, इस सारे वाकयात के बाद सब है। आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा है? पॉलिटिकल हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया। सारी सियासी और मजहबी जमाते शामिल है, मे बी सम एलिमेंट ऑफ स्टेट शामिल है, मैं नहीं कह सकता शामिल, लेकिन जो सामने नजर आया वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जितनी सियासी मजहबी जमात है सब शामिल है उसके अंदर। ये डीवीडी मौजूद है, ये तो सिर्फ जबानी बातें की जा रही ना, ये डीवीडी है, इसको आप चला के देखिए किसकी गाड़ी से फायरिंग हो रही थी और कौन से लीडर उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। ये फोटोग्राफ है जिसमें सारे मौजूद हैं झंडे समेत हथियारों समेत। ये आप देखिए बिल्कुल सर, ये किन लोगों ने किया सामने प्रोग्राम के अंदर, और इंक्वायरी होगी, कमीशन बनेगा, हाईकोर्ट में केस है हम वहां भी पेश करेंगे सारी सबूत और शवाहिद कौन कौन शामिल थे। तो कितना दुख होता है आपको आजादी के लिए पाकिस्तान ये कहते हैं कि किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं होगी, ये कितना दुख होता है आपको? जब मैंने नहीं पढ़ा सदर पाकिस्तान का ये बयान, ये साहब का बयान।